अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल ने राष्ट्रीय व्यापारी दिवस एवं स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में दृष्टिबाधित बालिका विद्यालय की बालिकाओं को किताब का वितरण किया, जिसके संबंध में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री अमित टेबड़ीवाल ने बताया कि हम लोगों के संगठन का स्थापना दिवस है जिसको 20 साल हो गया है। हम लोग हर साल स्थापना दिवस के अवसर पर बच्चों में किताब व पेन वितरित करते हैं, जिसमें महापौर मंगलेश श्रीवास्तव ने भाग लिया है और बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया है। इस अवसर पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला कोषाध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष राम सेवक वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री अमित टेबड़ीवाल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, ये तो एक बहुत आदर्श कार्य है और इसके लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। और ऐसे जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनको हम सब मुख्य धारा में से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये मैं समझता हूं कि ये बहुत पुनीत और पावन कार्य है। इन सबको हृदय से बधाई, धन्यवाद। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के संगठन का स्थापना दिवस का 30 साल पूरा हुआ है और आज के दिन ही हम लोग राष्ट्रीय व्यापारी दिवस भी मनाते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक ये कार्यक्रम किया है जिसमें हम लोगों ने स्पर्श राजकीय बालिका अंध विद्यालय स्कूल है उसमें बच्चों को हम लोगों ने उनके पढ़ने लिखने की चीज़ें वितरित की हैं और उनके भोजन की व्यवस्था की है। और ये संगठन की तरफ से हम लोगों का जो है कार्यक्रम हुआ है और हर साल हम लोग 3 सितंबर को ऐसे ही कार्यक्रम करते रहते हैं और ये संगठन की तरफ से बहुत ही पुनीत कार्य हम लोगों ने किया है और इसके लिए हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हर साल होता है? हाँ, ये हर साल होता है, जहाँ हर साल अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं 3 सितंबर को। मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिला महामंत्री अमित टिबड़ेवाल।